देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज के इस वीडियो रिपोर्ट में बात करने वाली हूँ, यहाँ पर फिर से हम देख रहे हैं कोविड का दौर आ चुका है और हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो ये कोविड का दौर फिर से रिपीट हो ही चुका है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में करीना कपूर कोविड से छुटकारा पाकर निजात पाकर निकली हैं, तो वहीं पर फिलहाल अर्जुन कपूर और रिया कपूर भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं और हाल ही में एक खबर आई थी कि नोरा फतेही भी कोविड की चपेट में आ चुकी है और इसी बीच यहाँ पर नोरा को कोविड हो चुका है। लेकिन अभी ये खबरें ये भी हैं कि यहाँ पर नोरा ने एक पोस्ट के जरिए अपने फैंस को अपनी हालत के बारे में बताया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नोरा फतेही की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने एक इंस्टाग्राम के पोस्ट के जरिए यहाँ पर अपनी हालत को बताया है, अपनी हालत का जिक्र किया है। तो आखिर नोरा फतेही किस हालत में है और कब तक वो रिकवर हो सकती है या फिर डॉक्टर्स ने उन्हें अभी कोई जवाब दिया है, ये जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट लास्ट तक। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन मामलों के बीच मनोरंजन इंडस्ट्री पर कोविड 19 का प्रकोप गहरा रहा है। अर्जुन कपूर और रिया कपूर के कोविड 19 संक्रमित होने के बाद अब खबर आई है कि डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही कोविड 19 की चपेट में आ गई हैं। नोरा ने इस जानकारी को सोशल मीडिया पर तो किया ही था, लेकिन फिलहाल उनका एक पोस्ट खूब वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी हालत काफी गंभीर है। नोरा ने लिखा, दोस्तों दुर्भाग्य से मैं अभी भी कोविड से जूझ रही हूं। इसने मुझ पर वाकई में असर किया है। कई दिनों से बिस्तर से नहीं उठ पा रही हूं और डॉक्टरों की निगरानी में हूं। कृपया सुरक्षित रहिए और मास्क पहने रहिए। ये तेजी से फैल रहा है और किसी को भी अलग ढंग से हो सकता है। दुर्भाग्य से मुझ पर बुरा असर हुआ है, यह किसी को भी हो सकता है। मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूं। फिलहाल यही मायने रखता है, सेहत से जरूरी कुछ भी नहीं। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। नोरा हाल ही में द कपिल शर्मा शो में भी शामिल हुई थी, जहां वो सिंगर गुरु रंधावा के साथ अपने नए गाने डांस मेरी रानी को प्रमोट करने गई थी। नोरा ने इसका वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में भी शेयर किया, जिसमें वो गाने पर थिरकती हुई दिख रही हैं। नोरा के साथ कपिल शर्मा, गुरु रंधावा, अर्चना पूरन सिंह, कीकू, शारदा और कृष्णा अभिषेक को भी देखा जा सकता है। यह एपिसोड इस वीकेंड में प्रसारित किया जाएगा। बुधवार को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर द कपिल शर्मा शो ने एक हफ्ते का ब्रेक लिया है। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर नोरा फतेही कोविड की चपेट में है और किस तरह उनकी हालत फिलहाल बहुत गंभीर बचाई जा रही है। उनसे बेड से उठा तक नहीं जा रहा है और उनकी ये हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो रही है। और बता दें कि हाल ही में वो अपनी नए सॉन्ग डांस मेरी रानी का गुरु रंधावा के साथ प्रमोशन करने गई थी और गुरु रंधावा के साथ वो कई जगहों पर स्पॉट करती हुई नजर आती है। और खबरें ये भी है कि वो शायद गुरु रंधावा को डेट भी कर रही है और वो दोनों आगे अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकते हैं और अपनी शादी पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल नोरा फतेही की हालत कोविड की वजह से काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, जो उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने फैंस से शेयर की है। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।